राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना क्षेत्र से गायब हुई किशोरी के मामले में पूछताछ के नाम चार युवकों की थाने में बेरहमी से पिटाई हुई। मामले में लोधा लववंशी समाज आगे आ गया। इसके लिए शुक्रवार को लोधी क्रांति सेना ने राजगढ़ पहुंचकर घटना के विरोध और दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके लिए टोड़ी गांव के सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता जयपाल सिंह खींची के साथ राजगढ़ पहुंचकर एक पीड़ित बने सिंह उर्फ बंटी पुत्र फूल सिंह लोधी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने व जाँच प्रभावित होने की आशंका में सुठालिया थाना प्रभारी मोहर सिंह मंडेलिया को तुरंत सस्पेंड कर जाँच पूरी होने तक हटाने की मांग की गई है। सर कि वो हम थाने में बुलाए गए, थाने के बाद हमको अंदर ले गया कि सर इतनी मार पीट की थी सामने, एक कान से पर्दा भी गोल है, हाथों में मार पीट करी, तीन चार रोज तक रोटी नहीं खाई। उसके बाद मुझे वो धनराज को बहुत मारा और मुझे तो भगा दिया। क्या कारण था मारपीट करने का, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि तुम कुछ सोते नाम के लड़के को जानते हो, वो फरार है, तुम उसको ढूंढ के मतलब हमें बताओ कहाँ पर है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।